चलिए सवाल करते हैं कुछ हम। रिक्वायरमेंट है इसकी, कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर द टैक्स ईयर 2023 से हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू नासिर बाय एपीएल, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर एपीएल इन दिस रिगार्ड। ये भी हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। सवाल है ऑटम 2022 का, डिस्कस करते हैं। नासिर हैज बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस इन असाइश प्राइवेट लिमिटेड। ही रिसीव फॉलोइंग मंथली इन्वॉल्वमेंट्स फ्रॉम एपीएल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023। इसकी बेसिक सैलरी है और ये मंथली है, पर मंथ है तो मंथली। बेसिक सैलरी 8 लाख पर मंथ है, हमें पता है 8 लाख पर मंथ है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 तो मेरे पास सैलरी आ जाएगी। मेडिकल अलाउंस का जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे तो हमने मेडिकल अलाउंस को क्या करना है, हमेशा हमने स्टार कर लेना है। क्यों? बिकॉज अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी गिवन हो तो अलाउंस मेरा क्या हो जाता है, टोटली टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस देखा है, ये भी टोटल टैक्सेबल होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर है जी रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय एपीएल फॉर नो रेंट, एक घर है वो किसके है, एपीएल में है। उसने कहा है कि इन बेनिफिट्स के अलावा ये जो बेनिफिट्स हैं, ये कुछ मजीद बेनिफिट्स गिवन किए गए हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वो 3 लाख पर मंथ, हालांकि मार्केट वैल्यू कितनी, 3 लाख पर मंथ है, हमने उसको फ्री में दे दिया, बेनिफिट निकालेंगे, रूल लगाएंगे। कंपनी मेंटेन्ड कार, द कार वाज एक्वायर्ड और लीज बाय एपीएल ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ एनुअल रेंटल ऑफ ₹1.1 मिलियन। गाड़ी लीज पे ली है, लीज के लिए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो रेलेवेंट होती है। गाड़ी हमने ली है किस रेंट के ऊपर, 1.1 मिलियन के ऊपर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, वो है 4 मिलियन की, और ईयर एंड के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 6 मिलियन की है। 70% ऑफ द कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज वाइल 30% इज यूज फॉर पर्सनल पर्पज। देखेंगे, उसने यहाँ परसेंटेज दी है, हमने परसेंटेज के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। बॉस पर्पज के लिए है तो बॉस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बॉस के लिए हम 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 250 लीटर ऑफ फ्यूल एवरी मंथ, द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 180 पर लीटर। उसको पेट्रोल दिया, इसका बेनिफिट हम निकाल लेंगे। फिर री इम्बर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसिस अप टू 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, एपीएल री इम्बर्स ₹1.5 लाख टू हिम इन दिस रिस्पेक्ट। एपीएल ने उसे कितने पैसे वापस री इम्बर्स किए हैं, एपीएल ने उसको 1.5 लाख जो है वो वापस किया है इस पर्सनल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट्स एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये ले जी मेडिकल अलाउंस है। अब पेपर में आप जब पढ़ रहे हैं, पेपर में आपको लाना है और उसको यहाँ पर रिलेट कर देना है इसके साथ। अब उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, तो ये मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी, ये मेडिकल फैसिलिटी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और ये मेडिकल अलाउंस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टोटली टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। तो इसको एडहॉक रिलीफ मिला है इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी, कीपिंग इन व्यू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से उसको 1 महीने की सैलरी हमने एज ए रिलीफ के तौर पर दे दी है। ये जो एज ए रिलीफ के तौर पर दी गई है ये क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। फिर नासिर इनकर्ड अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फ्रॉम जुलाई 2022 टू नवंबर 2022 वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर द कोविड गाइडलाइंस इशूड बाई एपीएल मैनेजमेंट। तो ये जो है बेनिफिट है, और ये सॉरी बेनिफिट नहीं है, घर से काम कर रहा है, घर से काम करने के लिए पैसे दिए हैं, तो ये फील्ड ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर है जी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय एपीएल, एपीएल ने इसका टैक्स डिडक्ट किया है ड्यूरिंग द सैलरी 2023, वो कितना है, 4.5 मिलियन। ये इसका एडवांस टैक्स डिडक्टेड है, इसको भी हम क्या करेंगे, टैक्स में से ज्यादा ट्रीट कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई, माशाल्लाह। रिसीव 1 मिलियन इन कैश एज गिफ्ट, सलामिया मिली उसको 1 मिलियन की फ्रॉम वेरियस रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव मुझे भी मिलवाए एंड फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग 4 लाख फ्रॉम हिज पेरेंट, और 4 लाख किसने दिया, उसके अम्मी अबू ने दिया है। इन एडिशन इसके अलावा हिज पेरेंट गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ ₹5 मिलियन। अब इसे कैश गिफ्ट मिले हैं और इन काइंड गिफ्ट मिला है, इसका ट्रीटमेंट लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड अ कैश डोनेशन, डोनेशन अगर कैश में होती तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके ऊपर रिबेट क्लेम नहीं होगा। ड्यूरिंग
During the year, Nasri contributed rupees 4.7 million to an approved pension fund under voluntary pension system rule. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका रिबेट क्लेम कर रहे होंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो ऑटम 2022 से रिलेटेड जो है वो कर रहा है। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या है और क्या नहीं है और किस तरह से है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी। मिस्टर नासिर है ये ऑटम 2022 का, तो मैं ये वाला सवाल भी आपको प्रॉपर ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ एडजस्टमेंट्स के ऊपर ले जाऊंगा। ये आ जाएगा जी मिस्टर नासिर, हमारे पास मिस्टर नासिर आ गया। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लिख लेंगे जी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, 30 जून 2023। तो ये हमारे पास आ गया जी फॉर्मेट। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आएगा जी हमारे पास रुपीस, यहाँ पे आएगा जी हमारे पास रुपीस। अब इसके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, बेसिकली हम यहाँ पे लिख देंगे जी, हम यहाँ पे इसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो किसकी कर रहे हैं, सैलरी की कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इज बेसिक सैलरी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आपने प्रॉपर लिखना है। 8 लाख पर मंथ है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी 8 लाख इंटू हम करेंगे 12 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 9.6 मिलियन। तो 96 लाख जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। मेडिकल अलाउंस चूंकि हमने पढ़ लिया था टोटल टैक्सेबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रूल नहीं लगवाऊंगा। हमने पेपर में यही सवाल रीड करते हुए चीजों को मैनेज कर, आप वहां पे अगर पढ़ लेते हैं प्रॉपरली, चीजों को लिंक कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैंने पढ़ लिया मेडिकल अलाउंस टोटल टैक्सेबल है, मैंने यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है ऐड कर दी। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपके पेपर में कभी भी शॉर्टकट नहीं लिखनी, आप पेपर में प्रॉपर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है ये कितना बन देगा हमारा, ये बन देगा मेरे पास 24 लाख, मैं वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऐड करेंगे बेनिफिट दैट इज अकोमोडेशन, कि जो हमारे पास अकोमोडेशन है हम उस अकोमोडेशन का बेनिफिट जो है वो यहाँ पे लेंगे। अब अकोमोडेशन का रूल है फेयर मार्केट वैल्यू और 45% ऑफ बेसिक सैलरी। फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी 3 लाख पर मंथ, 3 लाख इंटू 12 किया तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3.6 मिलियन, और हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी। हम क्या लेंगे, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, तो मेरे पास 9.6 मिलियन टोटल सैलरी है। 9.6 मिलियन का मैं 45% लूंगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास 4320000, 4320000 ये आ जाएगा। इसमें से हायर जो है वही लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4320000, ये मेरे पास बेनिफिट आ गया इसका। उसके बाद गाड़ी ली है, गाड़ी उसने ली थी जब लीज के ऊपर, तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी, तो जिस दिन ली उस दिन की वैल्यू हमारे लिए रेलिवेंट होगी। तो कार मेरे पास यहाँ पे आ गई, कार मेरे पास आ गई यहाँ पे हो गई 4 मिलियन की, 4 मिलियन की, और बोथ पर्पस के लिए है, तो इसका ले लेंगे हम 5%। तो 4 मिलियन का 5% लेंगे, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 लाख रुपया, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फ्यूल, अब फ्यूल के यहाँ पे हमें बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब उसको जो हम फ्यूल दे रहे हैं उस फ्यूल का बेनिफिट हमने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसने कहा है 250 लीटर पेट्रोल मिलेगा उसको, 12 महीने का हम पेट्रोल दे रहे हैं, पेट्रोल का रेट है 180 का जो उसने हमें बताया है। अब उसको हम गाड़ी चलाने के लिए, हमने बहुत पर्पस के लिए गाड़ी दी हुई है ना, तो यहाँ पे हम उसे जो फ्यूल दे रहे हैं वो 250 लीटर पर मंथ दे रहे हैं, 12 महीने का 180 के हिसाब से। अभी जो गाड़ी है 30% ऐसी है जो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल 30% है, तो टोटल फ्यूल का 30% जो है वो उसने अपने जात के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम इसको ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जवाब इसका 162,000 जो है वो इसका बेनिफिट बनेगा, वो हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। कि टोटल फ्यूल जो मिला उस पर 70% ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो गया, बाकी जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए है, वो हमारे पर्सनल के लिए, जो पर्सनल के लिए इस्तेमाल हुआ है वो हम क्या करेंगे इनकम में ऐड कर देंगे।
अब है री इम्बर्समेंट वाला रूल। इस री इम्बर्समेंट में क्या है, उसको कहा है री इम्बर्समेंट हम करेंगे आपको 20,000 पर मंथ तक। तो 20,000 पर मंथ करें तो उसको एनुअल री इम्बर्समेंट कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 की। अब इस 2,40,000 उसको एक्सपेंसिस री इम्बर्स किए कि तुम गाड़ी चलाओ, खर्चा करो, हम 2,40 के एक्सपेंसिस आपको वापस कर देंगे। इस 2,40 के एक्सपेंसिस में से 70% जो है एक्सपेंसिस इसके ऑफिशियल पर्पज के लिए होंगे, 30% जो है वो किसके लिए होने चाहिए, वो उसके होने चाहिए प्राइवेट पर्पज के लिए। तो हमने इसके लिए है यहाँ पे 2,40 के एक्सपेंसिस। अगर मैं इसका 70% लूँ तो अप टू 168,000, मतलब इस 2,40 में से 168,000 तक रिलेट कर रहा है इसके पर्सनल के साथ, इसकी जात के, सॉरी इसके ऑफिशियल साथ। कि अगर इसको हम 2,40,000 के एक्सपेंसिस रीइंबर्स कर देंगे, हम इसको 2,40 के एक्सपेंसिस अगर वापस कर देंगे, इस 2,40 में से 168 तक कितने होने चाहिए इसके ऑफिशियल ड्यूटीज। 168 से अगर हम ऊपर कोई पे करेंगे इसको तो वो किसके लिए जाएगा, वो इसका पर्सनल बेनिफिट होगा। तो हमने कितने वापस किए हैं, हमने तो इसको 150,000 वापस किया है, मतलब हमने तो 168 से भी कम, दैट इज जो उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के एक्सपेंसेस थे उससे भी हमने कम वापस किए हैं। तो इसलिए ये इस री इम्बर्समेंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर 168 से ज्यादा वापस किए होते, 168 से ज्यादा रिटर्न किए होते तो उसका बेनिफिट होना था, ये तो अंडर दैट लिमिट आ रहा है, तो इस री इम्बर्समेंट का कोई इम्पैक्ट हम नहीं ले रहे होंगे। ये जो हमारे पास री इम्बर्समेंट आती है ये है 168,000 की, इस 168,000 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो एग्जेम्प्ट है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगी जी हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट रेट होगी, इसके ऊपर कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। फिर है एडहॉक रिलीफ, 1 month की सैलरी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी इसका एडहॉक रिलीफ, 1 लाख 1 month की सैलरी है, 8 लाख की सैलरी जो है वो मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा उसने कहा है कोविड के एक्सपेंसेस मिले हैं, वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंसेस, तो वो जो कोविड एक्सपेंसेस मिले हैं वो तो घर से काम करने के लिए, ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हैं, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम उनको भी इग्नोर कर देंगे। उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स है और कुछ नहीं है, बाकी शादी डोनेशन है, इसको हम जमा कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आनी चाहिए इसकी, यहाँ पे टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आनी चाहिए, इसकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये है जी 9.6 मिलियन प्लस 1.2 मिलियन प्लस 2.4 मिलियन प्लस 432,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,62,000 प्लस हमने किया 8 लाख, तो ये मेरे पास आना चाहिए 1,86,82,000। ये क्या बन जाएगी, ये इसकी टोटल सैलरी बन जाएगी, कि ये इसकी टोटल सैलरी बनती है। अगला इसका हेड जो है वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, जिसको कैश में गिफ्ट मिला है, एक तो हम वो ले लेंगे, जो सलामियाँ मिली हैं शादी पे वो कैश के फॉर्म में है, कैश का गिफ्ट जो है वो क्या होता है, हमारा टैक्सेबल होता है, और जो गिफ्ट मिला है उसको कार के फॉर्म में पेरेंट्स से है वो इन काइंड है, पेरेंट्स गिफ्ट वगैरह देंगे तो वो क्या होगा, एग्जेम्ड होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको ही हम यहाँ पे जमा कर देंगे, तो यही मेरी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम जो है वो कहला रही होगी। इसकी टोटल इनकम फॉर द ईयर कितनी बन रही है, 1,96,82,000 जो है ये क्या बनेगी, ये इसकी टोटल इनकम जो है वो बन रही होगी। ज़कात वगैरह कुछ भी नहीं है, वर्कर वेलफेयर फंड कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल इनकम है और यही क्या है इसकी टैक्सेबल इनकम है जो हमारे यहाँ पे बनती है। अब चूंकि इसका केस सैलरीड है, हम यहाँ पे देखते होते हैं, हम इस टोटल सैलरी को जो मेरे पास आई है डैट इज 1,86,82,000, इसको डिवाइड करना है मैंने टोटल इनकम से, डैट इज 1,96,82,000, और मल्टीप्लाई करना है मैंने 100 से। अगर इसका आंसर 75% से अबव है तो ये क्या कंसिडर होगा, सैलरी कंसिडर होगा।
इसका आंसर कोई 94% करीब बनता है। इसका आंसर जो है वो 94% करीब बनता है। इसलिए क्या है ये हमारे पास ये सैलरीड कंसीडर हो रहा होगा। तो रेट लगाएंगे, टैक्सेशन पे जाएंगे और टैक्सेशन पे हम इसके अब रेट जो है वो लगा रहे होंगे। तो सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है ये आएगा हमारे पास सैलरीड। ये 6 मिलियन से ऊपर आखिरी स्लैब है। पेपर में आपको स्लैब रेट गिवन होते हैं, उसमें फॉल करेगा 1968200। ये इसकी क्या आ रही है, ये टोटल इसकी इनकम आ रही है। आखिरी स्लैब है डेट इस 6 मिलियन का, उसके ऊपर फॉल करेगा। 6 मिलियन के ऊपर उसका रेट बनेगा 1095000। एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास जो है वो 1368200 बनेगा। एक एक्सीडिंग अमाउंट का हम कितना लेंगे, 35% लेंगे। मतलब जो मेरे पास आया 1368200, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय हम लेंगे 15%, करेगा 2052, सॉरी 1368200 मल्टीप्लाई बाय 35%। तो ये बनेगा हमारा 4788700। ये आ जाएगा मेरे पास 4788700। इसको जमा कर लें अगर हम 1095123, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5883700। 5883700 ये इसका टैक्स बनता है। अब इसमें से चूंकि डोनेशन का एक एग्रीमेंट है, उसने तो कैश डोनेशन पे की है, डोनेशन तो इसको अलाउ नहीं होगी। हाँ, इसने ये अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है 4.7 मिलियन की, रिबेट इसके ऊपर जो है वो हम इसका अलाउ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे रिबेट और एपीएफ। ये मेरे पास अप्रूव पेंशन फंड है, हम इस अप्रूव पेंशन फंड पे क्या लेंगे, हम उसका रिबेट जो है कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब उसमें फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए होती है हमारे पास यही टैक्स लाइबिलिटी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, दैट इज 5883700। डिवाइड करेंगे हम इसको, टैक्सेबल इनकम वो है 1968200, वो कितनी है 1968200। मल्टीप्लाई करेंगे सी से। अब सी पे हमने यहाँ पे क्या करना होता है, रूल लगाना होता है। और वो रूल क्या होता है कि हम लेते हैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितनी हमने की थी और हम लेंगे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब इस सवाल में जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है हमारी वो है 4.7 मिलियन, वो कितनी है हमारे पास 47 लाख है, हम वो ले लेंगे और लेंगे हम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम वो ले लेंगे। तो मेरे पास आइए इनकम 1968200, इसका लूंगा मैं 20%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3936400। ये आ जाएगा मेरे पास 3936400। हम लोअर लेंगे, लोअर मेरे पास यही है 3936400। अब इसके ऊपर हम अपना रिबेट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 5883700, डिवाइड करेंगे 1968200, मल्टीप्लाई करेंगे 3936400 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1176740। कितना आ जाएगा हमारे पास 1176740। ये हम लेस करवा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा जवाब 4706960। ये मेरे पास टैक्स आ जाएगा, इसका एडवांस टैक्स कटा रही 45 लाख, विद होल्डिंग टैक्स कितना है 45 लाख। हम यहाँ पे 45 लाख लेस करवा देंगे, जो पेएबल आएगा मेरा वो होगा 2069600। दिस विल बी द अमाउंट जो हमें क्या करनी होगी, इसका रिटर्न के साथ पे करनी पड़ेगी। सो दैट वाज अबाउट ऑटम 22 क्विज न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
अगला सवाल सॉल्व करें।
चलें जी, ये सवाल देखते हैं। डेट इज फ्रॉम स्प्रिंग 2022। इसको यहाँ पे सर ये प्रोफाइल बनाया आपने, चेक करा के मुझे कैसा बता। स्प्रिंग 2022 का सवाल जो है, देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे लाइक प्रॉपरली फॉर्मेट में सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा जितने भी सवाल होंगे फिर मैं उनकी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा, मैं एक प्रॉपरली फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बिकॉज दीज आर दोज क्वेश्चंस जिनके मैंने सैलरी में इनकी एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस आपको करवा दी है, मतलब इनमें एडजस्टमेंट निकाल निकाल के। तो आई गेस मैंने रिसेंट अटेम्प्ट्स के जितने भी सवाल हैं वो प्रॉपर आपसे डिटेल सॉल्व करवा दिए हैं फॉर्मेट में रखवा के। अब जो है मैं सिर्फ इसके अलावा जो होगी वो मैं आपसे फिर एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको पता हो कैसे और कैसे नहीं करना। बिकॉज ये जो हमारे ऑटम 23 का सवाल हो गया, स्प्रिंग 23 का सवाल हो गया, ऑटम 22 का सवाल हो गया, स्प्रिंग 22 का सवाल हो गया, बड़े सवाल थे। और इनको प्रॉपरली अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो डैट वुड बी गुड फॉर यू। बाकी चीज़ें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, तीन रिक्वायरमेंट है। ये स्प्रिंग 2022 का सवाल है। स्प्रिंग में सवाल थोड़े से बड़े आते हैं, थोड़े से लेंथी आते हैं इन हेड्स में से, लेकिन ये वो हेड्स हैं जिसमें से एक आप कह सकते हैं कि 70 से 80% इन सवालों में इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्स एबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय यानी फंडेबल टू बासित फॉर द टैक्स ईयर 2023, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, इसने बता दिए। पार्ट नंबर बी है कि, और पार्ट नंबर सी ये हम जरा बाद में देखते हैं, पहले हम सवाल देखते हैं। कहते हैं जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2023। अजम्पशन लें कि आप इस डेट पर स्टार्ट कर रहे हैं और आप सारा कुछ कर रहे हैं। बासित, इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये वाली जो उसने लाइन गिवन की है, इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। कहते हैं बासित अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2023। रेजिग्नेशन है इस तरह के सवाल में, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई होती है, नंबर ऑफ मंथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनवरी, तो मेरे ख्याल से बासित ने अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ी है मास्टर लिमिटेड से, तो मास्टर लिमिटेड का बेनिफिट उसको जैन तक आना है, मतलब 7 मंथ। 7 मंथ मेरे माइंड में होना चाहिए। मैं पेपर पे कर रहा हूँ, पेपर पे जब मुझे पढ़ लिया कि ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। कहते हैं उसने जब अपने 3.5 साल की सर्विस पूरी की, उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। उसने ये फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स रिसीव की हैं, सैलरी 6,10,000 पर मंथ है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलाउंस मिला है, ये क्या मिला है, अलाउंस मिला है 60,000 पर मंथ उसको अलाउंस मिल रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए, घर में नौकर वगैरह रख लो। आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ ऑफ दी सर्विसेज। उसने क्या किया है, इसमें से 36,000 जो है वो पर मंथ पे किया है। इसने क्या किया है, 36,000 अलाउंस में से, तो अलाउंसेज में से तो कोई किसी किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें अलाउ होते ही नहीं है। तो ये अलाउंस उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम में ऐड हो जाएगी। फिर अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैलरी के लिए लोन मिले, सॉरी, अगर कोई भी आपको अलाउंस मिल रहा है बेशक ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है, लेकिन अगर वो फिक्स परसेंटेज में मिले तो वो हमेशा इनकम का पार्ट बनता है। ये फिक्स परसेंटेज मिल रहा है तो टोटल सैलरी का 5% लेके ऐड कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर ये, ऑन जुलाई 1, 2022 ही लीज द कार, बासित ने गाड़ी लीज पे ली है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 48 लाख है, और रेंटल कितना पे कर रहा है, 1,20,000 रुपये का। ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, अपनी जेब से क्या कर रहा है, ये लीज रेंटल पे कर रहा है, बट यूज दिस व्हीकल फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज। ये तो मजा आ गया कि इसको उसने उल्टा करके पूछ लिया। अब इस कितने सवाल पड़े हैं, गाड़ियां बोथ पर्पस के लिए प्रोवाइड की जाती थी, ऑफिस की गाड़ी थी। इसने क्या किया है, इसने खुद बासित ने अपनी गाड़ी लीज पे ली है और उसके ऊपर दफ्तर काम भी कर रहा है और प्राइवेट काम भी कर रहा है, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज इसकी अपनी जाति व्हीकल है, इसकी अपनी जाति गाड़ी है। फिर है ऑन 1 जुलाई 2022, 13,000 शेयर्स ऑफ एमएल वर अलॉटेड टू बासित।
एंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 30 पर शेयर, जिसको 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने 13,000 शेयर दे दिए। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल द ट्रांसफर शेयर अप टू 31 दिसंबर 2022। वो 31 दिसंबर 2022 तक वो शेयर वगैरह नहीं बेच सकता, तो रिस्ट्रिक्टेड शेयर है। ओके, लेकिन जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी उसे बेनिफिट आएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको जरा सवाल में 22 कर देते हैं और हम यहाँ भी इसको 22 कर देते हैं। 31 मई 2023 को ही सोल्ड 5,000 शेयर ऑफ एम एल एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। उसने फेयर मार्केट वैल्यू में बेच दिया 31 मई 2023 को। इसको हम 2023 कर लेते हैं। जो डेट्स हैं फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन इश्यू हुए थे ये थे, रजिस्ट्रेशन खत्म हुई है। तो इम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे सैलरी में, और डिस्पोजल जो है वो कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल गेन में जा रहा होगा। फिर 15 फरवरी 2023 को ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम एम एल एस ए फाइनल सेटलमेंट। उसने फॉलोइंग पेमेंट जो है वो किए फाइनल सेटलमेंट में 3,20,000 उसने पे किया है ऑन अकाउंट ऑफ गिवन कैश में टैक्सेबल है। 2,20,000 मिला है अंडर ट्रेजरी स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड, फंड से मिला है। इसमें 3 लाख तक जो है वो क्या होता है, हमारा एग्जेम्प्ट होता है ट्रेजरी का। और 7 लाख मिला उसको सैलरी एरियर्स, जो 2022 की सैलरी थी उसके बकाया है उसको 2023 में मिल गए हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो है वार्षिक सैलरी का वो कितना था, 14 लाख रुपया था, जो उसने हमें गिवन किया है। अदर इन्फॉर्मेशन जो उसने हमें प्रोवाइड की है इसके अलावा, 31 जनवरी 2023 को ही रिसीव गोल्ड वर्थ ₹2 लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। उसके पुराने दोस्त ने हमें क्या किया, उसको एक गिफ्ट दे दिया। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको नसीब फरमाए। इसका दोस्त कितना नेक है, और हमारे दोस्त सारे के सारे क्या है, स्नेक है। नेक और स्नेक के दरमियान फंस गया, रजिया गुड्डू में फंस गई। ओके, बेनिफिट है वैल्यू इन काइंड, उसको चीज मिली है, बट अदर देन रिलेटिव है। तो ये किसका पार्ट बनेगा, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। फिर ऑन 1 फरवरी 2023 ही परचेज म्यूचुअल फंड 25 लाख। एक जमाने में ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का हमें रिबेट मिलता था, अब वो रिबेट खत्म हो चुका हुआ है। पर सवालों में इसके एडजस्टमेंट वगैरह तो है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ही लेफ्ट फॉर यूके एंड ज्वाइंड ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉय एट अ मंथली सैलरी ऑफ 3,200 पाउंड। उसने क्या किया है, 3,200 पाउंड की सैलरी के ऊपर यूके में जॉब ज्वाइन कर ली है। ही रिमेन्ड अब्रॉड टिल द एंड ऑफ ईयर 2023, और 2023 तक क्या रहा, वो पाकिस्तान से बाहर रहा। फॉरन सोर्स सैलरी हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। वो सैलरी हमारी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इसे तो हम एग्जेम्प्ट कंसिडर कर लेंगे। वाइल रिसाइडिंग इन यूके बासविथ सर्व एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट यूनिवर्सिटी। ही अर्न 1,500 पाउंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इनकर्ड 500 पाउंड एक्सपेंसिज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। विद होल्डिंग टैक्स उसका 2,225 पाउंड कटा है। तो ये उसने विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है, इसकी जो इनकम है इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, और ये फॉरन इनकम है। यहाँ पर डिक्लेयर करेगा इसके ऊपर उसको फॉरन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसने हमें एवरेज एक्सचेंज रेट दिया वो कितना है, 250 का है। तो ये हमारा सवाल है, इसको जरा सारा सॉल्व करते हैं। इसमें फॉरेन इनकम है और फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, और इसमें एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो हमने क्या करनी है, वो सारी हमने यहाँ पे लिखनी है। तो सॉल्व करते हैं जी, हमारे पास मिस्टर बासित है। मिस्टर बासित, ओके, रिक्वायरमेंट है इसकी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। यहाँ पे हम बना लेंगे दो कॉलम, रेगियर वाले का रुपीज का, एक ए वाले का रुपीज का, दो सॉरी इसके सोर्स है। एक हम यहाँ पे ले लेंगे इसकी पाकिस्तान, सोर्स सैलरी, और दूसरी हम इसकी लेंगे फॉरेन सोर्स सैलरी।
अब इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी में ये सारा कुछ 7 महीने का आएगा। इसकी बेसिक सैलरी जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो बेसिक सैलरी इसकी आ जाएगी 6,10,000 पर मंथ। 6,10,000 पर मंथ है, 7 महीने, बिकॉज इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, तो 6 10 × 7 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4,270,000। इतनी बनेगी 4,270,000 जो है, ये इसकी क्या बन जाएगी, बेसिक सैलरी बन जाएगी। फिर इसको अलाउंस मिला था डोमेस्टिक सर्वेंट का, तो वो अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेज में से एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे लेस नहीं होते। तो इसको अलाउंस कितना मिला था, 60,000। 60,000 × 7 करेंगे कितना जवाब आएगा हमारे पास, 4,20,000 आएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसको अलाउंस मिला था 5% ऑफ सैलरी। हमें पढ़ के आए हैं कि जो अलाउंसेस हमें फिक्स परसेंट में मिल रहे होते हैं वो हम क्या करते हैं, हम इनकम का पार्ट बनाते हैं। तो 4,270,000 हम यहाँ ले लेंगे, 4,270,123 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5% से, तो यार आएगा 2,13,500। तो ये इसका बेनिफिट है, ये भी हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 2,13,500। इसके बाद कार ऑन लीज, कि इसकी कार जो है वो अपनी गाड़ी थी, वो इसने लीज पे इस्तेमाल करनी है, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, बेनिफिट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है वो लेंगे, और वो है हमारे पास 90 की, वो है हमारे पास 90 की। कितने शेयर्स इसको मिले थे, इसको शेयर्स मिले थे 13,000, तो 13,000 शेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो 90 × 13,000 करें क्या जवाब मिलता है हमारे पास, 90 × 13,000, ओहो ये बनेगा 11,70,000। कितना आया, 11,70,000। इसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट, कि हमें शेयर कितने का दिया इसने, इसने हमें शेयर दिया 30 रुपये का, तो 30 × 13,000 करेंगे, मेरे पास जवाब आ जाएगा 3,90,000। 3,90,000 में इसमें से लेस करवा दूंगा, रिमेनिंग कितना आएगा बेनिफिट, 11,70 − 3,90, ये बनेगा 7,80,000 का बेनिफिट जो है वो इसका एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट है। और वो हम क्या करेंगे, वो हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे, ये हम इसकी इनकम का पार्ट बना देंगे, ये भी हो गया। फिर लीव इन कैश फंड मिली है जी, कितने की, 3,20 की, वो टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। लीव इन कैश फंड 3,20 की टोटली टैक्सेबल, लीव इन कैश फंड ये भी हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास क्या चीज आती है, ग्रेच्युटी, ये है अप्रूव बाय बोर्ड, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। इससे ग्रेच्युटी मिली है कितनी, 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए में से 3 लाख हम लेस करवा देंगे, 22 लाख की ग्रेच्युटी मिली है, उसमें से 3 लाख जो है वो इसकी एग्जेम्प्ट है, तो हम इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग जो है उसका पार्ट बनेगी, हमारी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद है सैलरी इन एरियर्स, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसको एरियर्स मिले हैं, एरियर्स बकाया जात 7 लाख रुपया, तो वो भी हम क्या करेंगे इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। अब हम इन सब का सम करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा पाकिस्तान सोर्स सैलरी का, तो ज़रा करें सम, 4,270,000, 4,270,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,13,500 प्लस 7,80,123 प्लस 3,20 प्लस
1900 1 2 3 प्लस 7 लाख, ये बनेगा 860 3 5 0। कितना सम बनेगा? 8 6 0 3 5 0 0। ये जो है इसकी क्या बन रही है? पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी बन रही है। दिस इज पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी। अब इसके पास एक और सैलरी है, वो है फॉरेन सोर्स सैलरी, वो भी हम लिख लेते हैं बिकॉज रिक्वायरमेंट में टोटल इनकम निकाल ली है। तो फॉरेन इनकम में जो इसकी सैलरी है वो हम यहाँ पे लेते हैं। उसने कहा है उसको यहाँ पे सवाल में फॉरेन सैलरी ये इतनी मिली है उसको, उसको उसने कहा है 3200 पाउंड मिली है पर मंथ 3 महीने के हिसाब से। तो 3200 × 3 × एक्सचेंज 250 का ये भी कर लेते हैं। 3200 × 3 सैलरी है, ये भी 3200 पाउंड है 3 महीने की, और 250 का पाउंड है। 3200 × 3 × 250 ये बनेगा हमारे पास, दैट इज 24 लाख। 24 लाख मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। टोटल सैलरी जो इसकी बनती है फॉरेन प्लस पाकिस्तानी, वो बनती है हमारी 1 00 3 5 00। ये क्या बन रही है इसकी टोटल सैलरी फॉर द ईयर बन रही है। उसके बाद है ये देखें यहाँ पर जिसने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर डिस्पोज ऑफ किए हैं ना उसका, अब यहाँ पे हम ले लेंगे अगला हेड ऑफ इनकम, डैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जिसने शेयर डिस्पोज ऑफ किए हैं हम वो यहाँ पर ले लेंगे। तो डिस्पोजल एक इसका शॉर्टकट मेथड है, एक इसका प्योर मेथड है। शॉर्टकट से क्या है कि जिस दिन डिस्पोज किए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेस करवा दें जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। तो डिस्पोज ऑफ किए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 80 थी, जब लिए थे तब कितनी थी? जब रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई 90 थी। कितने शेयर हमने बेचे हैं इसके? हमने 5000 शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये तो इसको लॉस हो रहा है, तो इसके डिस्पोजल के ऊपर इसको कितना लॉस होगा? 50,000 का लॉस हो रहा होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से हम इस तरह करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट मेथड से तसल्ली नहीं हो रही, पेपर में जाके आप प्रॉपर मतलब डिस्पोजल जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिस्पोजल रिकॉर्ड। देखें जो कंसिडरेशन रिसीव होगी हमने वहां पर ले लेनी। कंसिडरेशन हमें रिसीव हुई है 80 के हिसाब से, 80 × हमने किया 5000 शेयर, तो ये कितने कंसिडरेशन आई है हमारे पास? 80 × 4 लाख ये कंसिडरेशन है। इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट। हमें शेयर पड़ा था 30 रुपए का एक, 30 × करेंगे हम 5000, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी इसमें से कितनी? 1.5 लाख। फिर जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने बेनिफिट ऐड किया था वो भी तो हम इसमें से लेस करवाएंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम ये लिखी थी हमने, बेनिफिट 780 ऐड किया था, 780 बेनिफिट था 13,000 शेयर का। ये 780 जो बेनिफिट था डैट वॉज फॉर 13,000 शेयर। कितने शेयर अलॉट हुए थे इसको? जिसको टोटल शेयर अलॉट हुए थे वो 13,000। तो ये 13,000 शेयर्स का बेनिफिट था, इसको 13 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 5,000 से, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 7 8 0 1 2 3 फोल्ड बाय 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये आ जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख आप इसमें से ये भी लेस करवा दें तो आपके पास देखिए नेट लॉस ही आएगा, वो कितना होगा? 50,000 का लॉस। तो प्रॉपर फॉर्मूले से करना है ऐसे हो जाएगा।
शॉर्टकट से करना है तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट दैट। उसके बाद इसका अदर सोर्स है वो भी लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब यहाँ पे इसको जो गिफ्ट दिया है फ्रेंड ने, फ्रेंड गिफ्ट देगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो 2 लाख का इसको गोल्ड गिफ्ट मिला है, हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। पर इसकी जो फॉरेन इनकम आई है अदर सोर्स में, हम वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम की अगर हम बात करें तो उसने कहा था 1500 पाउंड मिले हैं, 500 खर्चा किया है और 225 और 250 का पाउंड था, तो 1500 पाउंड उसको मिले हैं, 500 उसने एक्सपेंस किए हैं और एवरेज पाउंड रेट जो है वो कितना था, 250 का था, तो इसके पास कितना आ गया, ये 250 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो जो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी हमारे पास टोटल, वो कितनी बनेगी, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है मेरे पास, टोटल इनकम जो है अदर सोर्स की, वो है हमारे पास 4,50,000। डन हो गया ये भी। अब हमने यहाँ पे सारा कुछ कर लिया, अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, टोटल इनकम निकालनी है। अब देखो टोटल इनकम में ना, यहाँ पे एक चीज है, टोटल इनकम में हमने सारा कुछ ऐड करना होता है, तो टोटल सैलरी भी ऐड करें, उसमें ये लॉस भी ऐड करें, इसमें से ये भी ऐड करें, तो फिर लिखे मैं लॉस को एडजस्ट नहीं कर रहा बट मैं सारा कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1100350 प्लस 450000 माइनस 50,000, ये बन जाएगा मेरे पास जो नेट इनकम आएगी टोटल, वो है 1104035000, ये है मेरे पास टोटल इनकम। तो टोटल मेरी इनकम फॉर द ईयर ये है। इसमें से अब हमने लेस करवा देनी है एग्जेम्प्ट इनकम जो है, या जो लॉस हमने बीच में एडजस्ट किया वो, बिकॉज जो अदर सोर्स जो कैपिटल सिक्योरिटीज का लॉस है वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही लेस होना होता है, तो यहाँ तो लेस नहीं होगा, तो फॉरेन इनकम जो एग्जेम्प्ट थी हमारी वो हम पहले आप लेस करवाएंगे। मेरे पास यहाँ आ जाएगी फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी मैंने यहाँ पे 24 लाख को ऐड किया हुआ है, तो वो लेस हो जाएगी, क्यों, बिकॉज फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर हम टैक्स वगैरह पे नहीं करते, एग्जेम्प्ट है। फिर जो ये लॉस है, लॉस मैंने यहाँ पे लेस करवा दी है, लेकिन लॉस इनकम से लेस नहीं होगा बल्कि ये सिक्योरिटीज लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये चूंकि ऊपर लॉस लेस हुआ था तो मैं नीचे लॉस को क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा, तो मेरे पास अब न्यूट्रलाइज आंसर आ जाएगा, जो मेरा क्या होगा, टैक्स एबल इनकम होगा, बिकॉज इसमें कोई ज़कात वगैरह मुझे पेपर में नजर नहीं आई थी, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा टैक्सेबल इनकम जो है बन रही होगी। मतलब इसमें से 1104035000 में से मैं 24 लाख जो है वो लेस करवाऊंगा, और इसमें 50,000 मैंने ऊपर लेस करवाए थे वो लॉस को वो ऐड करूंगा, तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, डैट विल बी 905350, ये मेरे पास क्या आ गई है, टैक्सेबल इनकम आ गई, अभी आ गई है। अब हम इसकी सुकून से क्या करेंगे, टैक्सेशन करेंगे, बिकॉज इसके पास सारी की सारी क्या है, सैलरी ही है, तो हम इसका रेट ही लगाएंगे, सैलरी का रेट इसके ऊपर हम लगाएंगे। अब हम इसकी फाइंड करेंगे, तो यह है जी 905350, आखिरी स्लैब लगा वो है हमारे पास 6 मिलियन का, 6 मिलियन इसमें से लेस करवाएंगे, इसके ऊपर कंफर्म आता है 1095000, इसको हम लेस करवा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा जी 3053500, इसका मैं लूंगा 35%, तो मेरे पास आ जाएगा 1068725, ये आ जाएगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2163725, ये इसका बन जाएगा। तो ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब चूंकि इसने फॉरेन इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की है, तो हम इसमें से लेस करवाएंगे, वो होगा हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसका असूल होगा एक्चुअल टैक्स कितना पे किया है हम वो लेंगे, एक्चुअल टैक्स हमने पे किया है वो है 225 पाउंड का, 225 पाउंड इंटू 250 करेंगे, तो मेरे पास एक्चुअल टैक्स आ जाएगा, मैंने पे किया है 56,000
250, ये है मेरा एक्चुअल टैक्स, और हम लेंगे एवरेज टैक्स, डेट इज ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए है हमारे पास 216372 5, बी है हमारे पास टैक्सेबल इनकम 905355 00, 905355 00, और सी है हमारे पास फॉरेन इनकम जिस पे रिबेट क्लेम करना है, वो है 2,50,000 रुपया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 250,000 से, तो इसका मेरे पास जवाब आएगा 55155। एक फिर वेरीफाई कर लूँ। सॉरी, ये आएगा, इसका जवाब 55 नहीं आएगा, बल्कि इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो होगा 59। तो हमने लोअर क्लेम करना है, लोअर हमारे पास यही है, डेट इज 56250। ये हम लेस करवा देंगे, तो 216372 5-59, इसमें 56250 लेस करवाएंगे तो यार आएगा मेरे पास 210745 आ जाएगा। इसमें से इसका सैलरी के ऊपर टैक्स जो विद होल्ड हुआ था वो था कुछ 14 लाख रुपए का सवाल, मुझे याद पड़ा गिवन है। यस, ये देखिए यहाँ पे गिवन है, इधर करके विथ होल्डिंग टैक्स कितना है, 1.4 मिलियन का, इसका डिडक्ट हुआ था 1.4 मिलियन का, हम इसमें से यहाँ से लेस करवा देंगे 1.4 मिलियन। इसका जो पेबल आ जाएगा वो होगा 707475, 707475। ये जो है अमाउंट इसने क्या करनी है, गवर्नमेंट को पे करनी है। तो ये स्प्रिंग 2022 का सवाल था जिसको हमने लेकर चलना था।